into your eyes, I see we're out of time. Did what we could, my friend, but now we're... Hi everyone, तो ये जो ब्लॉग होगा ना, ये वीकली ब्लॉग है, मैं ऐसे ही शेयर करूँगी क्योंकि बहुत सारे काम ना मेरा पेंडिंग है, तो मैं सोच रही थी मैं कैसे शेयर करूँगी बोल के, तो फिर सोची कि चलो वीकली ब्लॉग करती हूँ और वीक भर हम लोग क्या करें हम लोग को देखने को मिलेगा. एंड यू नो अभी हम लोग थोड़ा सा निकल रहे हैं, कॉस्को जाना है एक चीज़ देखने के लिए, एंड फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर खाना खाने के लिए सोचे हैं, मतलब हम लोग कार में ही आजकल डाइनिंग कर रहे हैं तो कार में खाएँगे. एंड तो चलिए अभी निकल के चलते हैं, बाहर थोड़ा जाना है. और ये जो इयरिंग आप लोग देख रहे हैं ना, ये बहुत ही प्यारा सा इयरिंग है, मेरी दीदी मेरे लिए भेजी थी, बहुत दिन हो गया है मैं पहनी हूँ, आप लोग कभी मतलब वीडियो में नहीं देखे हैं, इट्स सो गुड वन, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था. घर ना पूरा गंदा होके है, हम लोग नवरात्रि करेंगे. लास्ट टाइम मैं एक्चुअली नवरात्रि कभी नहीं करती हूँ, बट लास्ट टाइम आप लोग देखे होंगे मैं शेयर की थी, मम्मी थी ना, मम्मी नवरात्रि करती थी, तो मेरे घर में नवरात्रि ना किया गया था, तो मैं सोचूँ इस बार मैं थोड़ा सा अच्छे से करती हूँ. देवांश का वहाँ पर हेलोविन कॉस्ट्यूम है, उसको पुलिस मैन बनना था, तो पुलिस मैन का कॉस्ट्यूम लेके आए हम लोग. आप लोग अपने बच्चे के लिए लेके आए हैं कि नहीं, मेरे शेयर कीजिए कॉमेंट सेक्शन में. एंड वही है, अभी थोड़ा सा निकल के चलते हैं, अभी आजकल ना अंधेरा हो जा रहा है जल्दी, तो ना अच्छा नहीं लग रहा है बाहर जाने के लिए, यू नो. एंड बट हम लोग सोचिए चलो निकल के चलते हैं करके. अभी हम लोग आ गए हैं थोड़ा सा कॉस्को, कॉस्को से थोड़ा सा मुझे मिल्क लेना था और ऑयल लेना था, ऐसे कुछ लेना था, मेरा लिस्ट था, और देवांश का स्पेशली उसके लिए पम्पकिन लेना था, तो हम लोग पम्पकिन लेने आ गए हैं. ये पहली बार हम लोग पम्पकिन ले रहे हैं कार्विंग करने के लिए, कभी नहीं किए हैं, तो वो भी एक्साइटेड है और हम लोग को भी मज़ा आ रहा था कि हम लोग करना है करके. और हम लोग का प्लान था कि हम लोग बाहर थोड़ा सा डिनर कुछ करेंगे, बट मेरे हस्बैंड का अर्जेंट कॉल आ गया तो हम लोग घर आ गए. Hey everyone, आज है थर्सडे एंड फ्राइडे को हम लोग यहाँ पे ना, लास्ट टाइम हम लोग उसे शेयर की थी, रोचेस मेरे घर में थोड़ा सा हो गया था, तो हम लोग एक बार पेस्ट कंट्रोल करवाए थे, खुद से भी थोड़ा सा हम लोग लाइक जो भी करना था ना कर रहे थे, बट फिर से हम लोग सोचे कि अगेन हम लोग करवा लेते हैं. और ना मुझे किचन ऐसे ही क्लीनिंग करना था, दशहरा है, नवरात्रि मैं पूरा अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी इस बार, तो किचन क्लीनिंग है, घर पूरा क्लीनिंग करना है, तो मैं सोची कि चलो किचन से ही शुरू किया जाता है, तो मुझे अभी पूरा पेंट्री खाली करना है एंड देन किचन का जितने भी जगह है सब कुछ क्लीन करेंगे. इवन कल मैं सोची हूँ फ्रिज में जो भी नॉन वेज है वो भी निकाल दूँगी एंड पूरा क्लीनिंग करेंगे. पूरा ये खाली हो गया, ये अभी खाली कर रहे हैं और यहाँ पे इधर इतना सामान है, ये पूरा खाली हो गया अभी. ये सब कुछ ना लॉकडाउन जब शुरू हुआ ना तब मैं ग्रॉसरी कुछ कुछ लेके आई थी, तो वो अभी बाकी है, मुझे लगा नेक्स्ट ईयर तक ना मुझे ग्रॉसरी नहीं खरीदना पड़ेगा. हम लोग जब भी इंडियन स्टोर जा रहे हैं ना, हम लोग वेजीज लेके आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बिस्किट हो रहा है और मेरे घर में मुरमुरे खाया जाता है, तो वो लेके आ रहे हैं, बाकी सब कुछ है घर. हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया है, आज है नेक्स्ट डे. आज ना हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, आज मेरा नवरात्रि का जितना भी शॉपिंग है ना वो करना है. एंड अगेन हम लोग आज ना पेस्ट कंट्रोल करवाए हैं, मैं लास्ट टाइम जैसे बताई थी रोचेस, हम लोग कल रात को पूरा क्लीन किए, आज पूरा किचन क्लीन किए मेरे हस्बैंड ने. तो अभी कॉल आ गया था वही लीजिंग ऑफिस से कि आज हम लोग का पेस्ट कंट्रोल है,
तो पूरा वो लोग अभी करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट 4 आवर्स बाहर रहेंगे, तो हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा सा शॉपिंग होता है नवरात्रि का। जितना भी मेरी फ्रेंड एक है, जैसे कि मैं बताई थी कल, शायद मैं भूल भी गई हूँ क्या क्या बात की हूँ कल, तो वो लिस्ट मुझे दी है। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा इंडियन ग्रॉसरी, थोड़ा सा कुछ लिख के आऊँगी, एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। नवरात्रि अच्छा लगता है, इस बार बहुत मिसिंग होगा, मम्मी लास्ट टाइम थी बट इस बार नहीं है, बट स्टिल मैं सोची हूँ कि अच्छे से मैं सेलिब्रेट करूँगी करके, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाऊँगी 9 दिन का, 9 भोग बनाए के, एंड वही है मैं आप लोग को लेके चलती हूँ अभी। तो हम लोग इंडियन ग्रॉसरी जाएंगे। कल हम लोग केक लेके आए थे, लेने के लिए आए थे, और ना हम लोग केक कटिंग ही नहीं हो पाया, थोड़ा सा कुछ काम आ गया, थोड़ा सा कुछ काम आ गया तो हम लोग तुरंत से चले गए। तो आज हम लोग पब्लिक्स फिर से आए हैं और थोड़ा सा केक कटिंग करेंगे 200 केक का, काफ़ी लेट हो गया। ओ मां देवा कर ला अच्छे से। हम लोग का केक कटिंग हो गया, कब से पेंडिंग था केक एक कटिंग करना है करके, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जो लोग मेरा वीडियोस देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब किए हैं, बहुत लोग हैं ना बहुत दिन से जुड़ के हैं मेरे साथ, और बहुत अभी नए भी बहुत आए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। देवांश का स्नैक्स का टाइम हो रहा था तो हम लोग सोचे उसके लिए थोड़ा सा डोनट्स लेते हैं, कब से उसको मन था खाने के लिए। उसका फेवरेट है चॉकलेट डोनट्स, उसको बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। अगर आप मेरा फर्स्ट व्लॉग नवरात्रि का देखे हैं तो आपको पता ही होगा मैं खूब सारा अरेंजमेंट की थी इस बार, आप लोग देख सकते हैं मैं पूरा जितना भी लिस्ट था ना मैं सब कुछ लेके गई थी पूजा करने के लिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं लिंक तो मैं दे दूँगी यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग घर आए और डिनर भी हम लोग नहीं किए बाहर, एक फ्रेंड के घर गए, उधर से ही ना काफ़ी लेट हो गया, ऑलमोस्ट 8:15 हो गया है, और किचन आप लोग देख सकते हैं पूरा खाली है, और इधर देखिए कैसे सब कुछ पड़ा हुआ है। तो मुझे ना अभी क्लीन करना है सब कुछ और फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ, पूरा क्लीन करना है अभी। उससे पहले कुछ मैं देवांश को थोड़ा सा डोनट्स हम लोग लिए तो डोनट्स मैं खिला दी हूँ, एंड फिर मैं सोची कि कुछ बनाऊंगी तो लेट हो जाएगा, तो थोड़ा सा डोनट्स का है मैं क्लीन करना शुरू करती हूँ, फिर आप लोग से बात करती हूँ। किचन पूरा मैं क्लीन किया अभी, पूरा मतलब पूरा क्लीन हो गया, 8:52 हो गया, पूरा कैबिनेट सब हम लोग क्लीन किए, और यहाँ पे ये सभी सिंक सब कुछ क्लीन किया गया ना, अगेन ये पूरा रखना है अभी। आज का डिनर हो गया ये कवान पराठा, कभी कभी हम लोग फ्रोजन खाते हैं, बहुत रेयरली बट खाया जाता है। तो ये हो गया आज का हम लोग का डिनर फ्रोजन पराठे के साथ, फ्रोजन करी, और देवांश के लिए खिचड़ी मैं बना दी, और हम लोग को खिचड़ी खाने को मन नहीं था तो ये हम लोग खा रहे हैं। बहुत रेयरली हम लोग खाते हैं फ्रोजन खाना, बट अच्छा लगता है कवान पराठा, अगर आप लोग ट्राई नहीं किए ना ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगता है, टेस्टी होता है।
हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आज है अनादर डे. ये व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स. मुझे लग रहा था बिफोर नवरात्रि मैं पोस्ट कर दूंगी आप लोग के लिए, बट मेरे साथ लाइक टाइम ही नहीं हुआ. और मैं उससे पहले मेरा नवरात्रि थाली चला गया, फर्स्ट डे सेलिब्रेशन चला गया, एंड मेरा हस्बैंड के साथ जो क्यू एंड ए था वो भी चला गया. एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर योर लव. मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मैं एक एक करके कॉमेंट पढ़ रही थी, अभी तक रिप्लाई नहीं दी हूँ. आज बैठ के रिप्लाई दूंगी. एंड यू नो, आज ये वाला वीडियो भी मैं पोस्ट करूंगी. पुराना हो गया है, बट आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे. मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती थी कि क्या क्या नहीं हुआ है लास्ट 2 वीकेंड्स. हम लोग का 2 वीक हो गया मैं ये वीडियो फिल्म कर रही हूँ. एंड नवरात्रि का जैसे मैं आप लोगों को बताई थी, मैं कुछ पूजा नहीं की. आप लोगों का बहुत सारे सजेशंस आए थे, थैंक यू सो मच. पर मेरी सासूमा बोली कि दुर्गा देवी का है, देवी का पूजा ऐसे नहीं होता हम लोग के घर में, तो तुमको छूना नहीं है तो पूजा नहीं करना है. तो मैं नहीं की हूँ, बट मैं 2 टाइम प्रेयर्स कर रही थी. विदाउट ऑनियन गार्लिक खाना खा रहे थे हम लोग. आज दसवीं है. हैप्पी दशहरा टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली. अच्छे से रहिए, खुश रहिए. माता रानी आप लोग को सबको बहुत सारा ब्लेसिंग्स एंड हेल्दी लाइफ दे. एंड आज मैं थोड़ा सा चावल बना रही हूँ उड़िया स्टाइल में, पोखाड़ा एंड यू नो थोड़ा सा फ्राई ऐसे साइड में बनाऊँगी. एंड फिर मैं आप लोग से बातें करती हूँ, और थोड़ी कुछ देर के बाद मैं कंटिन्यू करूँगी कि आज पूरा ये दिन का व्लॉग. Mama, look, big one, a very big one. Pumpkin carving today. What? Wow, it's a big monster. Now time. और आज मैं बना रही हूँ परवल आलू का फ्राई. इसको बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल ली हूँ. उसमें हम लोग मस्टर्ड सीड्स, हल्का सा जीरा ऐड करेंगे. लेंथ वाइज में मैंने ऑनियन कट कर दी हूँ, उसको हम लोग ऐड करेंगे. हल्का सा फ्राई करेंगे. और परवल भी आप लोग देख सकते हैं, मैं उसको लेंथ वाइज ही कट की हूँ. इवन आलू को भी कट की हूँ वैसे ही. इसको ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा ढक के फ्राई करेंगे 5 मिनट्स के लिए. एंड फिर हम लोग उसमें हल्दी ऐड कर देंगे. नमक मैं बाद में ऐड करूँगी, जैसे थोड़ा सा ऐसे फ्राई होने के बाद हम लोग अभी इसमें नमक, आप चाहे तो थोड़ा सा ड्राई मसाला ऐड कर सकते हैं. एंड फिर कुक करेंगे अनदर 5 to 7 मिनट्स एंड इट विल बी रेडी. इस बार मैं घर से बड़ी लेके आई थी. आप लोग बड़ी खाते हैं कि नहीं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा. 3 टाइप का बड़ी मम्मी दी थी. एक होता है छोटा छोटा, जैसे कि ये गोल गोल एक बड़ी होता है, ये ना जैसे कि आप बॉडी फूला में बनाई थी लास्ट टाइम एक रेसिपी. और ये जाता है जैसे कि आज मैं ऑनियन का साग बना रही हूँ तो उसमें जाएगा. ऐसे साग वगैरह में डालते हैं, बॉडी चूरा बनाते हैं. और एक होता है ये जो भजा बड़ी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, भजा बड़ी, इट्स लाइक उड़द दाल का बड़ी होता है. दोनों ही उड़द दाल होता है, बस थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस होता है, मुझे इतना मालूम नहीं है. और ये ना खाने में बहुत अच्छा लगता है. और एक जो कि देवांग का बहुत ही फेवरेट था, जो लिया बड़ी होता है, लाई का बड़ी होता है ना, जो उसका होता था. बट ये ना पूरा फिनिश हो गया. ये थोड़ा सा फिर भी देवांश को अच्छा लगता है, बोलते मैं रखी हूँ. इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और इसको फ्राई करने से ना पूरा तेल ख़राब हो जाता है. और थोड़ा सा पानी राइस जो होता है, पानी भात होता है, पोखरा जो होता है, उसके साथ बड़ी खाने से ना बहुत ही टेस्टी लगता है. मैं सोची हूँ ये बनाऊँगी. मैं ना ये वाला लेके आई थी ना, हम लोग का भाई जो थी अष्टमी को मेरा फास्टिंग था, तो उस दिन ना मैं सोची थी ना गुड़ में ना इसको मैं अभी एक सेकंड दिखा दूँ हम लोग को. और ये मैं लेके आई थी खिल मामड़ा. खिल मामड़ा है ये पॉफ्ड राइस. ये हम लोग को उड़ीसा में लिया बोलते हैं, लाई बोलते हैं, हम लोग के यहाँ पे लिया बोलते हैं उड़ीसा में. और इससे ना ये बड़ी बनता है. और ये मैं लेके आई थी स्पेशली अष्टमी के लिए. ये ना गुड़ में इसको मिला के ना बहुत अच्छे से ना इसका लड्डू बनाते हैं. बट जैसे कि मैं पूजा नहीं की तो प्रसाद भी तो नहीं चढ़ाना था, तो मैं बनाई नहीं हूँ, ऐसे रखा हुआ है. मैं सोची हूँ ये बड़ी ट्राई करूँगी घर में, पता नहीं कैसा होगा. इसके लिए वो जो पम्पकिन इटा क्या बोलते हैं, कोखरू के ये एक पम्पकिन होता है. और एक जो ग्रीन टाइप का, ये मेरी फ्रेंड दी उनके घर में हुआ था, कद्दू बोल सके, ये कद्दू बोलते हैं शायद, पता नहीं उड़िया में. मैं हिंदी का ना बहुत ही वो कैप्स ना, फिर भी मेरा बहुत वीक है. तो और एक जो ग्रीन फॉर्म का होता है ना, उसका जूस लेके ना ये बनाते हैं. अनादर
आज आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक यमी सा ग्रीन ऑनियन फ्राई। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑयल लेंगे, उसमें मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे, रेड चिली ड्राई वाला हम लोग ऐड करेंगे, हल्का सा गार्लिक चॉप्ड ऐड करेंगे, और फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ब्रिंजल हम लोग का बैंगन जो है उसको मैं छोटा छोटा पीसेस कर दी हूँ उसको मैं दी, एंड जो ग्रीन ऑनियन है उसको भी हम लोग ऐसे छोटा छोटा करके कट कर देंगे, उसको भी ऐड कर देंगे। इसको फ्राई करेंगे जैसे कि थोड़ा सा बैंगन जो है जल्दी कुक हो जाता है सॉफ्ट होने तक, एंड फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ऐसे ही थोड़े टाइम तक हम लोग कुक करेंगे। और एक तरह मैं अपना जो पोखाड़ा है वो भी रेडी कर दी हूँ। अभी देखिए ये अच्छे से कुक हो गया है, इसमें हम लोग टमाटो ऐड कर लेंगे। हाफ टमाटो मैं ऐड की हूँ, अगेन अनादर 3 to 4 मिनट्स हम लोग कुक करेंगे। और एक तरह मैं थोड़ा सा बैंगन एंड भिंडी का फ्राई बना रही हूँ, इसमें मैं नमक हल्दी और हल्का सा बेसन एंड राइस पाउडर दी हूँ और मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। और इधर मेरा साग भी हो रहा है और यहाँ इधर मेरा फ्राई भी हो रहा है। और ये देखिए ऑलमोस्ट जो टमाटो है ना अच्छे से पक गया है, तो जो मैं बड़ी फ्राई की थी ना उसको मैं ऐड कर, दिस इज़ ऑप्शनल, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं नहीं तो नहीं, बट इट्स रियली वेरी यम्मी, आप ट्राई कीजिएगा कभी। तो ये हो गया आज का हम लोग का खाना, राइस है, इसके साथ मैं परवल आलू का की हूँ, बड़ी है, ऑनियन का साग है, भिंडी फ्राई है थोड़ा सा, एंड बैंगन है, यहाँ पे भी सेम है। लंच के बाद हम लोग का प्लान था कि हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग के लिए जाएंगे, स्पेशली आइकिया से हम लोग को कुछ लेना था, बट हम लोग जब गए ना इतना भीड़ था ना, हम लोग गए ही नहीं, हम लोग ऐसे ही यू टर्न करके आ गए। और फिर हम लोग थोड़ा सा खाने के लिए चले गए, जैसे कि दशहरा आज एंड हो रहा है तो कुछ मन कर रहा था तो हम लोग गए थे थोड़ा सा खाने के लिए। हमेशा हम लोग यहाँ पे आते हैं थाली खाते हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम लोग थोड़ा सा इंडो चाइनीज़ ट्राई की, ठीक था पर इतना भी अच्छा नहीं लगा हम लोग को, और हम लोग फिर खा के आ गए घर। एवरीवन, और अभी मैं गई थी थोड़ा सा बाहर, मैं नहीं हम लोग गए थे बाहर थोड़ा सा लंच किए, एंड फिर हम लोग निकल गए। लंच ना बहुत ही अच्छा बना था। राइस ना मुझे इतना खाने को पसंद नहीं है, बट इस बार ना जो नवरात्रि का 9 दिन हो गया तो मुझे लग रहा था मुझे राइस खाने को मन कर रहा था। और अष्टमी जो भाई जोतिया था ना, मेरा फास्टिंग था पूरा एंड टू एंड, एंड दैट टू नवमी में ना हम लोग घर में क्या करते हैं राइस खाते हैं, तो इस बार मैं बिना अन्न का की हूँ तो मैं अन्न मतलब राइस नहीं खाई थी, तो आज तो बहुत ही अच्छा लगा। और वो जो ऑनियन वाला साग है ना आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। बड़ी इज ऑप्शनल, अगर आप लोग नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर खाते हैं तो ऐड कर सकते हैं। एंड बाहर जैसे कि ऑनियन खाना से चालू हो गया तो हम लोग सोचे थोड़ा सा बाहर खा के आते हैं, तो एक इंडियन रेस्टोरेंट हम लोग लाइक 2-3 बार गए हैं, अच्छा लगता है वहाँ का खाना, तो वहाँ पे गए खा के आ गए। और देवांश ना आफ्टरनून को नैप नहीं लिया था तो अभी वो सोने के लिए चला गया है, मैं जाती हूँ ये वीडियो एडिट करूँगी, और थोड़ा सा काम भी है। नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों के लिए शेयर करूँगी एक बहुत ही अच्छा सा न्यूज, लाइक रियली एक्साइटेड, और उसके लिए ही हम लोग बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो मोस्टली मैं नेक्स्ट वीक शेयर करूँगी। तो देखते रहिए मेरा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट मीन्स अ लॉट। तो यहीं पे एंड करती हूँ आज का ये वीडियो, पता नहीं मैं क्या फिल्म की हूँ, लाइक 2 वीक शायद हो गया मैं ये फिल्म ही कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं एडिट करूँगी अच्छे से एंड फिर मैं पोस्ट करूँगी आप लोग के लिए। तो आप लोग कैसे सेलिब्रेट की है दशहरा हमेशा शेयर कीजिएगा, हैप्पी दशहरा अगेन टू ऑल ऑफ यू, मैं माँ दुर्गा ब्लेस यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।